ಗೈ ಮಾಡುತ್ತಾರ. ಆರಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಚರಣೊಮ್ಮೆ ಬಂದನ್. ಪರಂ ಆದರಣೀಯ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್, ಸಾಧು ಸಾಧ್ವಿ ಬೃಂದ್, ಶ್ರಾವಕ್ ಶ್ರಾವಿಕಾಯಿ, ಹರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾ ಪಹಲಾ ಚಿಂತನ ಯೇ ಹೋತಾ ಹೈ ಅತ್ತ ಗವೇಶಿ ಅತ್ತ ಹಿತೇಶಿ, ಮೇ ಹೂ ಔರ್ ಮೇ ಕರ್ಮೋಕ್ಕೆ ಬಂಧನ ಸೆ ಬಚು, ಸ್ವಯಂ ಕೆ ಹಿತ ಕಿ ಗವೇಷಣಾ ಕರ್ನಾ ಯೇ ಸಬ್ಸೆ ಮಹತ್ವ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ. ಜಬ್ ತಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಸ್ವಯ ಕಾ ಚಿಂತನ್ ನಹೀ ಹೈ, ವಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ ಸೆ ಬಚ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ ಔರ್ ಕಭಿ ಕಭಿ ಗ್ರಂಥಿ ಭಿ ಬಾಂಧ ಲೇತಾ. ಆಚಾರ್ಯೋ ನೆ ಕಹಾ ಹೈ ಕಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಹ ಹೈ ಕಿ ಅಪನೆ ವಿವೇಕ ಸೆ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ರಖೆ ಕಿ ಮೈ ಬಂಧನ ಮೇ ನ ಜಾಊ, ಮೇರಾ ಅಹಿತ ನ ಹೋ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋತೆ ಹುವೆ ಭಿ ಅಗರ್ ಸ್ವಯಂ ಕಾ ಅಹಿತ ಕರ್ತಾ ಹೈ तो यो मानना चाहिए कि या तो उनकी धार्मिकता में कमी है या वह धर्म को भूल जाता है. कर्मों का बंधन होता है, गृहस्थ में कर्मों का बंधन तो होता है, किंतु एक तो कर्मों का बंधन हो कपड़े पर आकर रजे गिरी और आपने एक झटका दिया रजें साफ हो गई. एक कर्मों का बंधन ऐसा हो कि आपको उसे बंधन उस दाग को मिटाने के लिए साबुन और सोडे का प्रयोग करना पड़े, और एक दाग ऐसा लग जाए कि कपड़ा धोने वाला धोबी भी कहता है कि बाबू यह तो कपड़ा फटेगा तभी यह दाग जाएगा. तो कहीं ऐसे बंधन न हो जाए कि जो व्यक्ति को जीवन भर रुलाते रहे, व्यक्ति के लिए परेशानी पैदा करे, और जो रजों के रूप में कर्म लगते हैं वे कर्म यूं कहना चाहिए कि एक झटका दिया और आप उन कर्मों से छुटकारा पालोगे. धार्मिक होता है वह हमेशा इस बात का चिंतन करता है कि मेरे से कोई ग्रंथि न बने, कर्म न बंधे. यह तो बहुत मुश्किल है. ग्रंथि न बने यह व्यक्ति इससे बच सकता है. अगर चाहे तो गृहस्थ में रहता हुआ भी इससे बचाव कर सकता है, और जो व्यक्ति इससे बचाव कर लेता है वह अपने श्रावकत्व को सफल कर लेता है. पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः. श्रद्धे मंत्री मुनि श्री साधु साध्वी बृंद, बंधुओं बहनों, संबोधि के तीसरे अध्याय में उल्लिखित है
अनुभवन स्वकर्माणि जायते म्रियते जनः प्राधान्यं निश्चितानां यत् कृतं प्रधानमिष्यते। प्राणी जन्म लेता है और एक दिन मर जाता है, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। यह जन्म और मरण का सर्किल संसारी जीवों के लिए जब तक उनका मोक्ष न हो जाए निरंतर चलता रहता है और विभिन्न जन्मों में प्राणी कष्ट भी प्राप्त करता है, अपने कर्मों को भोगता है, अच्छे कर्मों को भी भोगता है, पुण्य को भी भोगता है, तो पाप कर्मों का भी वह भोग करता है। जैसा प्राणी चाहे वैसा ही फल मिले ऐसा नियम नहीं है। आदमी चाहता तो सुख है परंतु पाप कर्मों का उदय होता है तो उसे दुख भी मिलता है, क्योंकि कर्म उसने पाप किया है तो पाप का फल तो दुख के रूप में आना है, वह भले न चाहे। आदमी चाहता कुछ है और करता कुछ है, चाहता तो पुण्य है और कार्य पाप का करता है। चाहने से नहीं होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, यह सिद्धांत है। आदमी जिस योनि में है सामान्यतया वहां से मरने की इच्छा नहीं करता, वहीं रहना चाहता है। जैसी भी योनि उसे मिल गई है, नरक की बात तो छोड़ दें, बाकी सामान्यतया पशु है तो वो भी मरना नहीं चाहता, वहीं वहां जीना चाहता है। एक बार कहते हैं कि इंद्र मर्त्य लोक मनुष्य लोक में आ गए और मनुष्य लोक में उन्होंने एक सुवर को देखा, सुवर पशु को देखा, दया आ गई, बेचारा किस तरह का खाना खाता है, इसका उद्धार करना चाहिए। तो इंद्र बोला, सुवर मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग में ले जाना चाहता हूं। तो सुवर बोला, ठीक है आप भले मुझे ले चलो स्वर्ग में, मैं आपके साथ चलूंगा। स्वर्ग में जाने की बात तय हो गई, एकदम जाने का समय आ गया, तब सुवर ने प्रश्न किया कि मुझे यह बताओ वहां मुझे भोजन क्या मिलेगा, जो भोजन मुझे यहां मिलता है वह मिलेगा या नहीं मिलेगा, गंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इंद्र ने कहा, वहां तो बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन होता है, इतना घटिया खराब भोजन वहां नहीं मिलता। सुवर बोला, जी तब मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मुझे तो जो भोजन यहां मिलता है भिष्टा आदि खाने को वह वहां मिले तो जाऊं, वरना मैं तो यहीं रहना चाहूंगा, स्वर्ग में जाना नहीं चाहूंगा। तो जैसी आदमी की वृत्ति हो जाती है और जैसे वातावरण में आदमी रह जाता है, कई बार उसके साथ उसका अनुबंध सा हो जाता है। एक भिखारी भीख मांग रहा था तो राजा उधर से गुजरा, राज्याभिषेक हुआ ही था तो राजा ने सोचा मेरे राज्य में भिखारी है, इसका भिकमंगापन तो दूर करना चाहिए। कहा चलो तुम महल में चलो।
भिखारी को महल में ले गए, उसे स्नान कराया, अच्छे कपड़े पहनाए, फिर जो उसका भिक्षा पात्र था उसको फेंकना चाहा। तब उसने कहा, नहीं जी, इसको आप मत फेंकिए, यह तो मेरे पास ही रहेगा, इतने वर्षों तक यह मेरे साथ रहा, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो राजा के महल में तो बढ़िया बढ़िया पात्र थे, पर भिखारी का मन तो भिक्षा पात्र में ही रम गया। एक मकान में आदमी रह जाता है वर्षों तक, कई बार उसे छोड़ना भी मुश्किल होता है, वह छोड़कर दूसरे मकान में चला जाए तो पुराने मकान की याद आती रहती है। ये एक संस्कार होता है। संबोधिकार ने बताया है कि जन्म लेना और मरना यह क्रम चलता रहता है, और जन्म विभिन्न जन्मों में यह प्राणी विभिन्न प्रकार के कर्मों का भोग भी करता रहता है, और इस कलिकाल में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो यह बड़ी उपलब्धि की बात होती है। तत्व को समझना भी सबके लिए आसान काम नहीं है, धर्म के तत्व को समझना सबके लिए संभव नहीं होता है। किन्हीं किन्हीं भाग्यशालियों को धर्म के तत्व को समझने का मौका मिलता है। दुनिया में नास्तिकवाद भी चलता है और आस्तिकवाद भी चलता है। जैसे आस्तिकवाद का अपना दर्शन है, वैसे नास्तिकवाद का भी सिद्धांत है, दर्शन है। चार्वाक नास्तिकवाद का व्यक्ति था और उसने तो स्पष्ट कहा है, जैसा कि षड्दर्शन समुच्चय में आता है, कि एतावानेव लोकोयम यावानिन्द्रिय गोचर है, यह लोक इतना ही है जितना इंद्रियों के द्वारा जातव्य है, आगे पीछे और कुछ नहीं है। इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः है। जब तक जियो सुख से जियो, और पास में पैसा न हो तो कर्जा करके भी घी पियो, आराम करो, मौज मस्ती करो, क्योंकि शरीर भस्मीभूत हो जाने के बाद आगे और कोई जन्म वाली बात नहीं है, बस यही वर्तमान जन्म है और कुछ नहीं है। राजा प्रदेशी का वर्णन जैन आगमों में मिलता है, और राजप्रश्नीय सूत्र बताया गया कि राजा प्रदेशी, उसकी अवधारणा यह थी कि शरीर और आत्मा दो नहीं एक ही है, यानी नास्तिकवाद का सिद्धांत है कि शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। आस्तिकवाद का सिद्धांत है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर का अलग अस्तित्व है और आत्मा का अलग अस्तित्व है। कुमार श्रमण केसी का योग मिला, जो परम आस्तिकवाद के पुजारी थे, जैन शासन के कह दें, आरहत शासन के कह दें, और भगवान पार्श्व की परंपरा के आचार्य थे, उनका योग मिला और उन्होंने राजा प्रदेशी को तर्कों के साथ समझाया, तो फिर राजा ने नास्तिकवाद को छोड़ दिया और आस्तिकवाद को स्वीकार कर लिया। परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने राजा प्रदेशी के जीवन वृत्त पर कई दिनों तक प्रवचन किया था, और उनके वे प्रवचन एक पुस्तकाकार में आ गए। बहुत अच्छे तरीके से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने शरीर और आत्मा के बारे में, या आस्तिकवाद और नास्तिकवाद के बारे में समझाया था अपने प्रवचनों के द्वारा।